नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को गंगा नदी तंत्र बताऊंगा। पूरा का पूरा मैप पर आधारित रहेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि एक बार में आपको गारंटी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर देखो मैं इंडियन ज्योग्राफी को पूरा का पूरा आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैप पर आधारित पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल भूपेन मिश्रा सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करें हम सभी गंगा नदी तंत्र का, तो गंगा नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है वो कौन सी होगी? जाहिर सी बात है, हमारी गंगा नदी ही होगी। हिमालय नदी पढ़ रहे हैं जिसमें से सिंधु नदी को मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, आज के वीडियो में आप सभी को गंगा नदी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी। साथ ही साथ अगर जल ग्रहण क्षमता की बात करें तो ये जो है गंगा नदी तंत्र, इसका जल ग्रहण क्षमता भारत में सबसे ज्यादा है। अगर कौन सी नदी तंत्र का जल ग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा है तो वो कौन सा आ जाएगा? आपका गंगा नदी तंत्र आ जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखो, अब गंगा नदी जो है उसका जब उद्गम होता है, तो एक्चुअल में डायरेक्ट गंगा नदी तो गंगा नदी बनती नहीं है, दो अलग अलग धाराएं हैं। पहला एक गंगोत्री करके, देखो उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला में एक गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है, इस जलधारा को क्या कहा जाता है? भागीरथी। क्या कहते हैं इसको? भागीरथी कहते हैं। इस जलधारा का नाम याद रखना। ठीक है, ये कहाँ से निकला? उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, वहाँ पर जो गोमुख है वहाँ की गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलता है। अगला है, एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है सतोपथ। क्या नाम है इसका? सतोपथ। सतोपथ ग्लेशियर से दो धाराएं बनती हैं, एक है आपका धौली गंगा और एक है आपका विष्णु गंगा। क्या क्या नाम बोला? धौली गंगा और दूसरे का नाम है विष्णु गंगा। ठीक है, ये दो जल धाराएं बनती है। कहां से बनता है? सतोपथ ग्लेशियर से। और ये दोनों की दोनों जो धाराएं हैं, ये आपका जो विष्णु प्रयाग है वहां पर आकर के मिल जाती है। जगह का नाम याद रखना, कौन सा जगह है? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिल जाती है। और ये मिलने के बाद जो जलधारा के, मतलब जिस नदी के रूप में जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है आपका? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नाम से ये फिर क्या होती है? आगे बढ़ती है। इसी अलकनंदा नदी में एक पिंडार नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी। ठीक है, और कौन सी जगह पर मिलती है? इस जगह का नाम कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो वो है आपका कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग में क्या होता है? पिंडार नदी आकर के मिलती है और उसके बाद फिर यही अलकनंदा आगे बढ़ता है। और जो केदारनाथ से, एक केदारनाथ के पास से एक नदी निकली रहती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी फिर यहाँ पर आपके अलकनंदा में आकर के मिलती है। और ये कौन सी जगह पर आकर के मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में इसी अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी मिलती है। और उसके बाद फिर यही जलधारा आगे बढ़ता है और इसका नाम क्या है? अभी भी अलकनंदा ही है। अलकनंदा नदी फिर आगे जाकर के देवप्रयाग में, कहां पर? देवप्रयाग में, देवप्रयाग में ये अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है। जगह का नाम याद रखना, देवप्रयाग। अब यहां से जब ये जलधारा आगे बढ़ेगा तो इसका नाम क्या है? गंगा। क्या नाम है इसका? गंगा। ठीक है, तो देवप्रयाग में, देवप्रयाग के बाद, मतलब जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है, तो कौन सा जलधारा बनता है? गंगा। और यही है गंगा नदी। और ये गंगा नदी कौन से दो धाराओं के मिलने से बनी है? तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनी है। अब एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसको देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जैसे कि ऋषिकेश जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो वो अपने गंगा नदी के किनारे पर ही है, ऋषिकेश। उसके बाद है एक हरिद्वार करके जगह। ठीक है, हरिद्वार का नाम दो पॉइंट से इम्पॉर्टेंट होगा। एक तो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्थल है, इसलिए भी इसका नाम जगह इम्पॉर्टेंट होगा। और दूसरा, हरिद्वार से ही, हरिद्वार के आगे क्या है? गंगा नदी। अभी तक देखो ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में बह रही थी गंगा, अब हरिद्वार के बाद क्या होता है? वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक है, तो कहाँ से गंगा नदी जो है पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ करके मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है? तो वो क्या आ जाएगा आपका? हरिद्वार आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि गंगा नदी का जब उद्गम होता है तो वो कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है, तो देखो कौन सी दिशा में है, डाउनवर्ड है। मतलब अगर ये आप सभी को कई बार बोलता हूँ, इसको हमेशा माइंड में रखना, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो जब गंगा नदी का उद्गम होता है तो वो स्टार्टिंग में किधर बहती है, देखो नीचे जा रही है, मतलब दक्षिण की ओर जा रही है। उसके बाद फिर वो भारत के 5 राज्यों में जब गुजरेगी तो वो दक्षिण पूर्व की ओर उसका डायरेक्शन हो जाता है, ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ये जैसे बनाया हूँ इसको हूबहू ऐसे ही बनाओगे तो याद रहेगा आप सभी को। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे हमारे गंगा नदी को, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। देखिए गंगा नदी जो है, अब यहाँ से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ। देवप्रयाग में गंगा नदी, मतलब जो आपका वो था भागीरथी अलकनंदा मिल गई, और वहाँ से आपका कौन सा नदी बन गया है, गंगा नदी बन गया है। तो गंगा नदी सबसे पहले कौन से भारत के राज्य में गुजरा, उत्तराखंड में। उसके बाद फिर वो साउथ की ओर आएगा, साउथ पूर्व मतलब दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा, और ये आपका यूपी है। कौन सा जगह है समझ जाओ, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सीमा जो है, लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के बाद वो जाता है बिहार में, कहाँ जाएगा, बिहार में जाएगा, और बिहार में जाने के बाद फिर वो और साउथ की ओर मुड़ेगा, और उसके बाद फिर वो जाता है झारखंड में। झारखंड में जाने के बाद फिर वो जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में फिर ये जो गंगा नदी है वो दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा जो आगे जाता है इसको कहते हैं हम लोग भागीरथी। जो जलधारा एक सीधा आगे जाता है वो क्या कहलाएगा, भागीरथी। और यहीं से एक जो दूसरी धारा बनती है इसको कहते हैं हुगली, ठीक है, हुगली नदी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जो गंगा है वो दो धाराओं में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली में। और यही जो हुगली नदी है इसी के किनारे पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, इस चीज़ को याद रखना। और यही हुगली नदी फिर आगे बढ़ेगा और आगे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। और ये जो भागीरथी है, मतलब गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो भागीरथी बोलेंगे। और यही भागीरथी फिर आगे जाकर के आपको कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश चली जाएगी। और बांग्लादेश में फिर एक ब्रह्मपुत्र नदी, आप सभी जानते हो ब्रह्मपुत्र नदी आता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ये जब मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ाऊंगा तो उस समय और बताऊंगा भी, ठीक है। तो पद्मा मतलब ये भागीरथी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र, ये दोनों का दोनों जब मिलेगा, ठीक है, तो इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, पद्मा। कौन सा नदी कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। और ये पद्मा नदी फिर आगे बढ़ती है, और यही पद्मा नदी में फिर आगे यहाँ से एक और नदी आकर के मिलती है, मेघना नदी। कौन सी नदी, मेघना नदी, ठीक है। और मेघना नदी फिर यहाँ पर फिर इसके जो संयुक्त जलधारा है वो क्या बोलेगा, आगे जाएगा जब बढ़ेगा तो मेघना नदी ही कहलाता है। और यही मेघना नदी फिर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो अगर बात करें हमारे गंगा नदी का अंतिम नाम क्या है, मेघना, ठीक है। ये एक्चुअल में एक मेघना नदी है जो कि मणिपुर साइड से निकलता है, लेकिन जब बांग्लादेश में ये जाएगा और उसके बाद फिर क्या करता है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराता है, तो अंतिम नाम गंगा का क्या है, मेघना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये भी एक जब ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ही, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। ठीक, ये कुछ फैक्ट्स थे। अब इसके बाद में गंगा नदी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। देखिए गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है और हिमालयी नदी यमुना नदी, देखो यमुना नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना, यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलेगी, ये यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और स्टार्टिंग में अगर इसको देखोगे तो ये देखो ये अपनी गंगा है, डायरेक्शन अगर देखोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये किधर है, गंगा के पश्चिम में बहती है। किधर बहती है, स्टार्टिंग में गंगा के पश्चिम में बहती है, और धीरे धीरे जब वो और आगे जाएगा तो क्या होता है, देखो कुछ देर बाद फिर ये दक्षिण में इसके बहने लगता है, और उसके बाद फिर ये इलाहाबाद के पास क्या करता है, जा करके हमारे गंगा नदी में मिल जाता है। तो यमुना जो है गंगा से कहाँ पर मिलता है, तो इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद के पास क्या करेगा, गंगा जो है यमुना से मिल जाएगा। अभी इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके अभी क्या रखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इलाहाबाद में क्या करता है, यमुना और गंगा आपस में मिलकर, तो अब गंगा यमुना की भी जो सहायक नदियाँ हैं,
ये कौन सी जलधारा है आपकी? यमुना नदी है, ये याद रखना, यमुना है और ये वाली कौन सी है? गंगा है। ठीक है, तो देखो यमुना की जो कुछ कुछ सहायक नदियां हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, सबसे जो मुख्य सहायक नदी है वो है आपका चंबल। क्या नदी है ये? चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी क्या है? यमुना की एक प्रकार से मुख्य सहायक नदी बोल सकते हो। और ये कहां से निकलता है? तो ये निकलता है आपका मालवा के पठार से। ठीक है, मालवा के पठार से क्या निकलती है? चंबल नदी निकलती है, थोड़ा देर के लिए वो राजस्थान जाती है, और राजस्थान के जाने के बाद फिर ये आपका यमुना में जा करके मिल जाती है। ठीक, अब चंबल की कुछ कुछ सहायक नदियां हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है, जैसे कि एक है छिप्रा नदी। कौन सी नदी है? छिप्रा। ठीक है, छिप्रा नदी। छिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन शहर बसा हुआ है, ये याद रखना, कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है उज्जैन शहर है वो कौन सी नदी के तट पर है, तो उज्जैन शहर छिप्रा नदी के ही तट पर है। साथ ही साथ चंबल की ही एक सहायक नदी है काली सिंध। क्या नदी है? काली सिंध। ठीक है, काली सिंध भी किसकी सहायक नदी है? आपके चंबल की है। और यहीं पर नीचे में अगर देखोगे तो यहां पर आपका विंध्याचल पहाड़ी है। कौन से है? विंध्याचल, विंध्याचल पहाड़ी है। और विंध्याचल पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो विंध्याचल पहाड़ी से आपका इसी की एक सहायक नदी है, किसकी? आपका चंबल की ही पार्वती। ठीक है, तो पार्वती नदी निकलती है विंध्याचल पहाड़ी से, वो भी किसकी सहायक नदी है? आपके चंबल की है। साथ ही साथ इधर से आपका बनास नदी आता है, बनास नदी भी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और सबका पानी लेकर के चंबल नदी किस में जाता है? यमुना में अपना जल गिरा देता है। और एक चीज याद रखना है, चंबल नदी जो है वो अपने मतलब बैड लैंड के लिए फेमस है, बीहड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो बीहड़ भूमि के लिए फेमस है, इस चीज को भी याद रखना है। अब यमुना है, यमुना की और जो सहायक नदियां हैं, चंबल हो गया, उसके बाद एक सिंध है। सिर्फ सिंध जो बोलेंगे ना वो किसकी सहायक नदी है आपके? तो यमुना की है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक नदी आपका सिंध आ जाएगा, सिंध हो गया, बनास हो गया था। ठीक है, बेतवा, बेतवा किसका सहायक नदी है आपका? तो यमुना का सहायक नदी है, बेतवा हो गया। और केन है, ठीक है, केन ये कहां से निकलता है? तो कैमूर की पहाड़ी से निकलता है केन नदी, कैमूर की पहाड़ी से निकलता है आपका केन नदी। ठीक है, तो ये सारा का सारा नदी क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, जो किधर से आकर के मिल रही है आपके? इधर इस साइड से, दक्षिण साइड से आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये है यमुना। देखो यमुना का जो उत्तर से भी कुछ नदियां आकर के मिलती हैं उसको हम लोग थोड़ा देर बाद देख लेंगे। पहले हम लोग मेनली जो गंगा नदी है और गंगा नदी में फोकस करते हैं, गंगा नदी की जो जो सहायक नदियां हैं उसको पूरा का पूरा डायग्राम के साथ, मैप के साथ अच्छे से देख लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको रफ करता हूं, इसको सेम ऐसी बनाओ, एग्जाम में आपको याद रहेगा, और जो जो फैक्ट्स बोल रहा हूं उसको अच्छे से लिखो। ठीक है, अब आपको गंगा नदी के जो मेन मेन सहायक नदियां हैं उसका एकदम डायग्राम के रूप में बताता हूं। तो चलिए दोस्तों हम सभी गंगा की और सहायक नदियों को देख लेते हैं। गंगा की और सहायक नदियों को देखने से पहले यमुना की जो सहायक नदी है उनको देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने आप सभी को एक चीज़ याद रखो, देखो गंगा नदी, यमुना नदी है, उसका डायरेक्शन किधर है? इस साइड है। तो यहाँ से जब ये इधर बह रही है तो इधर वाली जो नदियाँ इस साइड से आकर के मिलेगी, इधर से आकर के जो मिलेगी वो क्या होगा? उसका लेफ्ट साइड से आकर के मिलने वाली नदियाँ, मतलब बाएं साइड से आकर के मिलने वाली नदियाँ। इधर जो मिलेगा वो क्या है? दाएं साइड से मिलने वाली नदियाँ। तो दाएं वाला आपको बता दिया चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इसके बाएं साइड से टोस, हिंडन, करेन, संगर और रिंद नदी मिलती है किसके? यमुना में। अब हम सभी देखते हैं, देखो अपना गंगा नदी को तो जानते हो, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम से क्या बना? आपका गंगा नदी बना है, ये भी इसी डायरेक्शन में बह रही है। तो ऊपर से जो नदियां आकर के मिलेंगी वो क्या हो जाएगा? इसके बाएं साइड से आकर के मिलने वाली नदियां। और नीचे से जो नदी आकर के मिलेगी वो उसके क्या हो जाएगा? दाएं साइड से मिलने वाली नदियां। तो देखो इसमें से जो राम गंगा है और जो गोमती है और घाघर है, ठीक है, घाघरा, ये तीन नदियां कहां बहती है? आपकी यूपी में बहती है। ठीक है, और गंगा और राम गंगा जो है वो कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में क्या होते हैं? जहां पर संगम होगा उस जगह का नाम क्या है? कन्नौज है, इस चीज को याद रखिएगा। गोमती नदी के बारे में एक खास फैक्ट ये याद रखिएगा कि देखिए इधर से जो बाएं साइड से आकर के जितनी नदियां मिलती हैं उसमें से जो गोमती नदी है उसका उद्गम क्या है? हिमालय नहीं है,
हिमालय वाला क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, यूपी का जो तराई क्षेत्र है वहाँ का जो फुल्हर झील है उससे गोमती नदी का उद्गम होता है। तो याद रखना गोमती नदी का उद्गम जो है हिमालयी क्षेत्र नहीं है, ये कहाँ से होता है, तो ये आपका यूपी का जो फुल्हर झील है वहाँ से होता है, ठीक है। तो रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी जो है वो कहाँ से है, यूपी में बहती है। गंडक और कोसी नदी जो है वो आपका कहाँ बहता है, तो ये बिहार में बहता है। और ये याद रखना कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, शोक नदी, क्योंकि कि हर साल यहाँ पर क्या होता है, बिहार में जो बाढ़ आता है वो किसी कारण से आता है, कोसी नदी के कारण ही आता है। और बाएँ साइड से आकर के गंगा में मिलने वाली जो सबसे लास्ट नदी है वो कौन सी है आपकी, महानंदा है, इसको याद रखिएगा। हुगली को बता चुका था, और छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में काटती हुई दामोदर नदी आती है, ठीक है, झारखंड साइड से, और ये भी हुगली नदी में मिल जाता है, इस फैक्ट को भी याद रखना। और हुगली नदी के किनारे पर क्या आपका पश्चिम बंगाल स्थित है, ये थोड़ा देर पहले आप सभी को बताया था। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है आपका बांग्लादेश में हमारे गंगा में मिल जाता है, और जो संयुक्त धारा बनती है उसको क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, पद्मा नदी। और फिर यहाँ से एक बराक नदी बोलो या मेघना नदी बोलो वो आकर के मिलती है, और उसके बाद फिर लास्ट में गंगा नदी का नाम क्या होता है, मेघना नदी नाम होता है। यहाँ पर हम लोग सुंदरबन का डेल्टा पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो डेल्टा है उसको हम सभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरा का पूरा डिटेल में, ठीक है। तो इतनी सारी सहायक नदियाँ थी गंगा की जो कि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था। गंगा नदी अभी पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ है, गंगा नदी का जो तंत्र है उसका सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उस वीडियो में मैं आप सभी को गंगा नदी पर कौन कौन सी योजनाएं हैं गंगा नदी तंत्र पर उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और लोगों के साथ शेयर जरूर करेगा इस वीडियो को, थैंक यू।